ये क्या किया मैंने, ये क्या किया? मेरा करियर तबाह हो गया, काम खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। मैं आखिर स्टेज पर आई ही क्यों? सीनिया, मुझे निकाल दिया ना, है ना? लोग हंस रहे होंगे ना मुझ पे, मेरी सारी मेहनत आखिरकार जाया हो गई। शाइमा कुछ तो कहो ना तुम। हाँ, हम सब शाहाना का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें सामने देखा तो हैरान रह गए सब। शाहाना क्यों नहीं आई? शाइमा, वो इमरान का फ्रैक्चर हो गया है। जल्दी में मुझे यही समझ आया, मैं और क्या करती भला, ज्यादा वक्त भी तो नहीं था। काश तुमने अकल इस्तेमाल की होती, अब पता नहीं अनम मैम कितनी नाराज होंगी। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हाँ बस जा रही हूँ मैं, मुझे मालूम है आप क्या चाहती है। मेरा ख्याल है मुझे अमेरिका चले जाना चाहिए, या फिर मैं साइबेरिया चली जाऊंगी। वादा करती हूँ मैं आपको दोबारा कभी नजर नहीं आऊंगी। पागल हो गई हो क्या? लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो हरी अब जल्दी करो। किसका इंतजार कर रहे हैं? जाहिर है तुम्हारा इंतजार, यू वर फैंटास्टिक, चलो अब जल्दी करो, जल्दी से आओ। ओके, अच्छा मैं अभी आ रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे मैम, आपके अल्फाज मेरे लिए इनाम है, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अरे तुमने क्या किया है शो में, मुझे जरा याद करने दो। हाँ याद आया, तुमने शायद डिजाइंस वर्कशॉप पहुंचाए थे, है ना? वेरी गुड वर्क, तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने किया ये सब? क्या तुम ही थी ना जिसने ये सब किया? बताओ मुझे। ये तुम क्या कह रही हो ज़ीनिया? तुमने मेरी ड्राइंग चेंज की थी शाइमा। मैं ये सब क्यों करूंगी, तुम पागल हो गई हो क्या ज़ीनिया? मॉडल्स जो यहाँ पर आई थी उन्हें भी तुमने कॉल की थी ना? मैं तो तुम्हारे फैशन शो में हेल्प कर रही थी, मैं क्यों बुरा करूंगी तुम्हारे साथ? लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे सहाफी दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में आपकी आमद का शुक्रगुजार हूँ। इस शाम का ताज एक खूबसूरत लड़की के सर जाता है। थैंक्स थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ये वो है जिसको मैंने पहली दफा देखा था, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये वो लड़की है जिसकी हमें बहुत शिद्दत से तलाश थी। नौजवान, एनर्जेटिक और प्रोफेशनल, यही नहीं बल्कि खूबसूरत भी है। और इसके अलावा अहम बात यह है कि वो एक जहीन लड़की है। मेरी एक नई पेशकश है, मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सब लोगों की तालियों में मैं बुला रहा हूँ, ये है ज़ीनिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी दोस्त हो। स्टेज पे जाओ, वक्त नहीं है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम फिर से शहजादी बन गई, हर किसी के सामने दोबारा अजीम बन गई। चलो जाओ अब। तुम मुझसे जेलस हो रही हो, इसीलिए ये सब कुछ किया ना तुमने? मैंने तुम्हारे साथ कब बुरा किया? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी तरफदारी की, हमेशा तुम्हारा साथ दिया मैंने। इसके बदले में मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी है। ये फैशन शो मेरे लिए सब कुछ था, मेरे लिए सब कुछ था ये शो। अरे इनफ इज इनफ, ड्रॉइंग्स अगर गलत बन गई तुम्हारी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही ये सब किया मेरे साथ। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं कितने मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ। बेचारी ज़ीनिया, कितना मुश्किल वक्त है, बेचारी का घर छिन गया। How dare you? तुम और तुम्हारी माँ मेरे सामने दो कौड़ी के भी नहीं हो, समझी तुम? I will kill you। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब कुछ कहने की? मैं भी छोड़ दूँगी नहीं, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम मेरा समझो, ये सिला दिया तुमने मुझे। जाओ यहाँ से। I hate you। बच्चों का खेल समझ रखा है, कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे जानती हो? तुम्हें अंदाजा है असल में बेइज्जती किसकी हुई, जिसने सबसे ज्यादा एतबार किया तुम पर, मेरी और एवरिन की। तुम्हें अंदाजा है कि प्रेस इस तमाशे के बारे में क्या क्या लिखेगी, कितनी जगह साई होगी मेरी। हाँ बताओ मुझे जवाब देना होगा।
मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शर्मा का तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा करोगी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन आपस में दोस्त जो हो तुम लोग, एक ही मोहल्ला, एक ही जैसी तरबियत है ना, एक दूसरे का असर तो आएगा। अफसोस, बहुत अफसोस, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें डिफेंड कर सकूं। जब तक मैं तुम्हें खुद ना बुलाऊं, मेरे सामने हरगिज मत आना। तुमने अपने हाथों से अपना फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश की है और उसकी कीमत मुझे अदा करनी होगी। उठ जाओ, अब उठो, उठ भी जाओ। मामा, जल्दी चले यहाँ से। ओके बेटा, आराम से, बोले ही जा रही हो, कर तो रही हो ना। मामा, आप समझ नहीं रही हैं, मैं एक लम्हा इस घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम पागल हो गए हो जावियर, मैं किस चीज की माफी मांगू? तुम जाकर उससे माफी मांगोगी शायमा, अभी और इसी वक्त। तुमने उसके फ्यूचर के साथ खेला है शायमा। नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, उसी ने शुरू किया था वो सब। देखो मुझसे झूठ मत बोलो शायमा, सच क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझी तुम? तुम आज मुझे एक बार बता ही दो, तुम मेरे साथ हो या उसके साथ हो, बताओ मुझे। शायमा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ और इस वक्त वो सच पर है यार। अच्छा जावियर, फिर जाओ और जाकर उसके सारे हुकूक पूरे करो, यहाँ क्यों खड़े हो? शायमा, मेरी बात कान खोल के सुनो और उससे अभी जाकर माफी मांगो, या फिर क्या जावियर, फिर क्या, बताओ ना, बताओ मुझे, तुम फिर से मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ, जैम तुम्हारा बैग जल्दी पैक करो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं पर भी, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे अब हम। ये क्या बात हुई? जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ, अब तुम खुश हो जाओ, तुम जीत गई। सावियार, हमें जाने दो। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मगर मैं ये एहसान नहीं ले सकती। तुम्हारे इस खुलूस का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। देखो जीनिया, तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया, प्लीज अपना सामान रख दो अब, ठीक है ना? अपना बैग दो मुझे, आ जाए। लाए आंटी, आप भी अपना बैग दे दें। तुमने हमारे लिए शायमा को निकाल दिया, आखिर क्यों? मैं ये सब नहीं चाहती थी जावियर, उसे तुम जाने का नहीं कहते। देखो कितनी चाह से वो इस घर में आई थी। जीनिया, कह चुकी तुम बहुत अच्छे। देखो हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, है ना, और तुम मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह अजीज हो, और फिर तुम ये भी कहती हो कि मैं तुम्हें यहां रखकर तुम पर एहसान कर रहा हूं। हाँ, ये भी कोई बात है, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? एंड दैट्स फाइनल। मेरा आंटी, प्लीज, ठीक है ना? आ जाए।
गुड नाइट। मामा मुझे माफ कर दे, मैं अपने भाई के लिए और आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, घर भी नहीं बचा सकी। अब रोना नहीं है, बस चुप हो जाओ। जिस दिन तुम्हारे बाबा चले गए थे तो हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था कि अब हमें कभी नहीं रोना, क्योंकि रोने से मसाइल हल नहीं होते। बेटा तुम्हारा ये शो बहुत कामयाब था, मुझे तुम पर बहुत फखर है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी इससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करेगी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी होनहार बेटी। आपा आपा तुम प्यारी लग रही हो वाकई में। कल एक नया दिन होगा, एक ऐसा दिन जो खुशियां लाएगा, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो ऐसा दिन होगा जिसमें हमारे ख्वाब पूरे होंगे और वो ही तुम्हारी कामयाबी का दिन होगा। देखना तुम लोग कामयाब होगे, जरूर कामयाब होगे। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा तेनू कोई और मिल गया।